हेलो दोस्तों, क्या हाल है मेरे सभी प्यारे कबूतरबाज भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे कबूतरबाज भाई लोग बढ़िया होंगे और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इंडियन फ्लैग जो है उसके कलर का कबूतर करने वाले हैं। कबूतर को इंडियन जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है हमारे देश का, वो वाला कलर करने वाले हैं। तो सारी सामग्री हमारे पास आ चुकी है। नहीं यार, हम समोसे वगैरह नहीं खाएंगे इसमें, इसके अंदर कलर मिलाएंगे। सही जुगाड़ मिल गया मेरे को, है ना, तीन। हाँ, तीन है। और पता है क्या सीन है कि यार मैंने ना उखेड़ मार दी अपने सारे कबूतरों की। मेरे पे जितने सफ़ेद कबूतर थे ना, देखो सारे आपको काले पीले मिलेंगे, चीने पीने। तो यार ये बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को एकदम से आइडिया आया। और आप लोगों ने कमेंट भी करा था कि मनीष भाई इंडियन फ्लैग बनाओ कबूतर के ऊपर। तो यार मेरे पे सफ़ेद कबूतर कोई है नहीं, ठीक है। तो मैं किसी कबूतर के कलर करूँगा जो इनमें से जो मुझे सफ़ेद लगेगा, और सफ़ेद कबूतर के भी करूँगा, लेकिन वो इन वालों में से करूँगा, लेकिन उसे उड़ा के नहीं दिखाऊंगा। और जो इन वालों में करूँगा तो वो उड़ा के दिखाऊंगा। तो दो कबूतरों में करूँगा, ठीक है। एक में अच्छे से करूँगा लेकिन उसे उड़ा नहीं सकता, और जिसे उड़ा सकता हूँ उसमें कलर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सफ़ेद कबूतर अभी मेरे पे कोई है नहीं। सबके पर खींच रखे हैं मैंने, सबकी उखेड़ कर दी थी मैंने, तो पर पटाई करने के बाद अब सफ़ेद कबूतर तो कोई सा बचा नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। इंडियन फ्लैग बना रहा हूँ मैं कबूतर के ऊपर, कोशिश करूंगा मैं, पहले तो कभी बनाया नहीं लेकिन देखता हूँ बना के। तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं हम, और बारिश कभी भी आ सकती है। आप लोग देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, इसलिए फटाफट मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी भी बारिश आ सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं इन तीनों डोंगों के अंदर अपना कलर मिलाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, अबे रुक जा भाई, ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, और ये हमारे पास ग्रीन कलर है, ठीक है। और बाकी जो भी है जैसा भी मैं आपको बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक तो अभी कर दो, एक काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करने में यार 2 मिनट लगते हैं, फटाफट से लिख दिया करो यार, 10-10 कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करा करो, थोड़ा हौसला मिलता है और नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। लाइक भी कर दिया करो यार, सब कुछ फ्री रहता है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ, तो यार आप लोग करते नहीं, कर दिया करो। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो में फ्लैग बनाने वालों कबूतर को बहुत बार मैं बता चुका, तो अब चालू करता हूँ और फिर आपको बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं ऐसे ही किसी नॉर्मल कबूतर के ना पेट पे चक्र बना के देख रहा था, अशोक चक्र की बनता है कि नहीं बनता। तो ये बड़ा मस्त सा बन रहा है, ठीक है। मैंने सोचा था पहले ये, अगर मान लो कि हम अच्छे से कर देते हैं ग्रीन और ऑरेंज कलर, केसरी कलर और हरियाली वाला हरा कलर, तो फिर उसके बाद अगर ये बनाएंगे और क्या पता ये नहीं बन पाया, गलत बन गया, तो फिर यार ख़राब हो जाए। तो मैंने अभी नॉर्मल किसी कबूतर के पकड़ के ट्राई करके देखा, तो बिल्कुल मस्त एक नंबर बन जा रहा है। ये देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, तो अब भाई सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। और अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ कलर, क्योंकि इसके ऊपर चेक कर लिया, शोक चक्र बना के मस्त बन रहा है। अब हम एक बाजू ऑरेंज कर देंगे, एक बाजू ग्रीन कर देंगे, और ये बीच का पूरा पोटा यूँ सफ़ेद रहने देंगे, और बीच के अंदर यह शोक चक्र बना देंगे जैसे कि उसके अंदर बन रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। क्योंकि यार फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, बारिश हो रही है, तो फटाफट से दोस्तों हम वीडियो बड़ी ना करते हुए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सफ़ेद कबूतरी लेके बिल्कुल आ चुके हैं। ये वही वाली कबूतरी जो हमने पकड़ी थी ना, जिसकी आंखों पे चांद बना हुआ है हल्की सी, मतलब कोर्ची आंखों में कबूतरी, तिल कटा हुआ सा है। तो ये उस वालों में से मैंने निकाली है, गिर तो नहीं गया, ये उस वालों में से मैंने निकाली, जोड़े वाले कबूतरों मैंने छोड़ रखी थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सबसे साफ़ सुथरी कबूतरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास हिली हुई नहीं है। खैर, उड़ाने को मैं ऐसे भी उड़ा देता, कोई दिक्कत नहीं है, कबूतरी तो है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम इसको इतनी देर पकड़ेंगे हाथों में, इसके कलर लगाएंगे, फिर इसे उड़ाएंगे ना तो कहीं जाके बैठ जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर कबूतर अगर हाथ में पकड़ोगे ना तो एक तो कलर लगाएंगे डर जाएगी, ठीक है। वरना मैं नया कबूतर भी कोई अफसोस नहीं, मैं छोड़ देता, और इन वालों में जो मेरे उड़ते थे उनके तो यार मैंने उखेड़ मार रखी, तो ये दिक्कत है। तो इसमें कलर तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन इसको सॉरी मैं आपको उड़ा के नहीं दिखा सकता, बाकी वीडियो फोटो में आप लोग देख लेना। लेकिन अपने किसी कबूतर को देखूंगा जो बिल्कुल सफ़ेद लग रहा हो, उसको कलर लगा के और फिर आपको उड़ा के दिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको कलर लगा देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मैं उड़ा के नहीं दिखा सकता आसमान में, ठीक है, यही दिक्कत है बस। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम इसके कलर लगाना। तो दोस्तों, अपने पूरे हथियार तैयार हो चुके हैं, अब फटाफट से कलर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं लगाना।
तो दोस्तों फुल पंखा पंखा आ चुका है, अब ये पंखा हमारा काम करेगा आसान। अब फूकते फूकते हमारी हालत होगी ख़राब, तो भाई ये पंखे से कलर सूखेगा और फिर ये जब सूख जाएगा ना पूरा, तो उसके अंदर हम करेंगे ग्रीन वाला। अभी ऑरेंज वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो हम इसे सुखा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, वरना फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर आप लोग बोलोगे कि मनीष भाई वीडियो बड़ी बनाते हो, ठीक है, तो हम पूरा सुखाने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कलर तो देखो हमने कर दिया, इधर ऑरेंज दिखाओ भाई, थोड़ा आगे लेके आओ, इधर देखो मैंने ऑरेंज कर दिया है और इधर ग्रीन कलर कर दिया है और थोड़ा बहुत इधर उधर लग गया, वो देखते हैं हटता है नहीं हटता, जो भी है जैसा भी है। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, कबूतरी इतनी परेशान होगी हाथों में पकड़ पकड़ के, तो अभी इसे अंदर छोड़ देते हैं। फिर इसके जो ना पेट पे ना जो मेन जो है जो चीज़ बनानी है जो कोई नहीं बनाता, पहली बार मैं बना रहा हूँ, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इसके पेट पे वो चक्कर बनाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा छोड़ देता हूँ इसे, फिर वो चक्कर बनाएंगे। और यार देखो बारिश आ रही है, हमारा पूरा सारा काम, वो चप्पल क्यों दिखा रहा हूँ यार वीडियो में तो बारिश आ रही है दोस्तों, तो जैसे भी है जो भी है फटाफट से करते हैं, ठीक है, छोड़ दो इसे अंदर। तो दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं क्योंकि यार काम बिगाड़ दिया, पूरी बारिश होने लग गई ना, देख रहे हो पूरा गीला गीला हो गया। तो अब हम नीचे आ चुके हैं, हमारा अब काम तो आधा अधूरा सा रह गया। तो इधर दिखाओ ये वाले पर, ये देखो पूरा ऑरेंज हो चुका है और ये वाला पूरा ग्रीन हो चुका है। और अब मेन जो चीज़ करना है ना, हमें क्या करना है, इसके बीच में ना अशोक चक्र बनाना है, ठीक है। तो ये देखो ब्लू कलर का मैंने ले रखा है, गिर भी गया भाई थोड़ा सा, तो ब्लू कलर का मैंने कलर ले रखा है, वो भी ब्लू कलर का है, तो डार्क ब्लू। तो अब मेन चीज़ ये करने की, देखो ख़राब ना हो, तो इसके बीच में ना हमें पेट के अशोक चक्र बनाना है। तो भाई देखते हैं कैसा बनता है कैसा नहीं, और बाकी मैंने तो करके दिखाई दिया, कबूतरी देखो कितनी मस्त लग रही है, ऊपर ऑरेंज बीच में वाइट, अपना वो तो खाली छोड़ दिया और नीचे ग्रीन कलर है। तो अब इसके पेट में अशोक चक्र बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पूरे डंडियाँ नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ी बहुत बना दूंगा, क्योंकि पूरी बनाऊंगा तो कलर फैल जाएगा, जो भी है जैसा भी आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ, बाकी आप लोग तो देख ही रहे हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना पूरा फ्लैग बना दिया है, थंबनेल में देखोगे आप तो बिल्कुल सही था, लेकिन कबूतरी ने हिल हिल के पूरा ख़राब कर दिया, ठीक है। और ये ऊपर ऑरेंज हो गया, नीचे अपना ये अशोक चक्र भी बन गया, ठीक है, लेकिन ख़राब हो गया। थंबनेल में आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, और मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ भी लगा दूंगा। अभी इसे हिली ना तो ख़राब हो गया, और नीचे भी मैंने लगा दिया, अपना पूरा झंडा बन के तैयार हो चुका है, और हम नीचे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ऊपर बारिश हो रही थी, ठीक है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये फ्लैग कैसा लगा।